अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी सर। लॉन्ग मार्च आवाम के लिए इंशाल्लाह बहुत कुछ फ़ायदेमंद होगा और इसका फ़ायदा आपको पहले नज़र आ गया है कि अभी लॉन्ग मार्च स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कीमतें लेट डाउन हो गई हैं और इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा काफ़िला बढ़ता जाएगा तो हुकूमत की चूल्हे हिलती जाएगी और इंशाल्लाह इसको इतना आवाम को फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना, ये चंद दिनों की मेहमान है। इंशाल्लाह जो पीपल पार्टी का क्राउड आ रहा है, पीपल पार्टी के जो काफिले आ रहे हैं, जोक दर जोक पब्लिक इनके साथ मिलती जा रही है और इसमें लोगों के तासुर हैं कि लोग पैसों के साथ आ रहे हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो जज्बे के बगैर आया हुआ है। सब लोग जज्बे में जज्बे से सरसार हैं और बिलावल भुट्टो की झलक देखना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो आप देखेंगे मुल्तान में तकरीबन इसका कोई 2-2.5 लाख रुपये बंदे का इंतज़ाम है, उनके रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है, उनके खाने का भी इंतज़ाम है और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार काफिला इंशाल्लाह ये आएगा और गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये गिलानी साहबान ने मुल्तान में बहुत शानदार इस्तकबाल का इंतज़ाम किया हुआ है तो आप क्या समझते हैं कि मुल्तान से जो काफिला निकले वो कितनी तादाद में होगा? माशाल्लाह गिलानी साहबान यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके सारे फर्जंदान ने इस वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और बहुत क्राउड निकाला है और माशाल्लाह इसमें इतना बड़ा काफ़िला निकलेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। तकरीबन जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा काफ़िला मुल्तान से इंटर होगा और गिलानी साहबान की जो खिदमत है, गिलानी साहबान ने जो भी इधर खिदमत किया है उसका सिला इंशाल्लाह इनको लोग जो है ना इसी लॉन्ग मार्च अवामी मार्च में ही देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।